Hello everyone. Today we are going to discuss the basic concept of the vectors. First of all, what does vector means? Vector means that which has some direction and which has some magnitude. Let's say if we have a point 1, 2, 3, 4. Now we know that 1, 2, 3, 4. Now we know that let's say we have a point 1 and the other point is here, this one is point A and this one is point B. So let's say if we have a point A and the coordinates of point A is 1 and 3, or B ke jo coordinates hain wo hain aapke paas 4 and 1. So, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें स्ट्रेट लाइन से, दिस इज कॉल्ड अ लाइन, इट इज नॉट अ वेक्टर. बट अगर हम इसी लाइन को अगर हम कोई डायरेक्शन दे दें, देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर. अब वेक्टर के अंदर आपको मोस्टली दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. बेसिक लेवल अगर हम देखें तो बेसिक लेवल में आपको यूजली दे आस्क अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स. Coordinates of vectors. Now, अब हम let's say अगर हम coordinates of vector A B find करें, so let's say the coordinates of the vector, ये आप vectors को represent करने का ये symbol होता है. इसमें this is called, this will be the start point of this vector, this will be the end point of the vector. अब हमने ये याद रखना है कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर, व्हाट वी हैव टू डू इज एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर ओ बी तो हमारे पास नहीं है. बेसिकली जो आपके पास ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये बेसिकली आपके पास इट इज अ पोजिशन वैक्टर. इट इज बेसिकली द वैक्टर ओ बी और इसके कॉर्डिनेट्स हैं 4 एंड 1. वाई ओ बी? बिकॉज ये जो आप 4 एंड 1 डिसाइड किया है आपने, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही तो है. जैसे अगर आपके पास 4 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट साइड एंड 1 यूनिट अपवर्ड, ये विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ही तो है. और ए आपके पास क्या है? 1 एंड 3. ये कोऑर्डिनेट्स भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है. दैट इज व्हाई हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओ ए का मतलब ये है कि ये पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर मींस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. अब एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. अब यहाँ पे देखें तो एंड पॉइंट हमारे पास क्या था? ओ बी आपके पास क्या है? 4 एंड 1. माइनस ओ ए आपके पास क्या है? 1 एंड 3. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 3 एंड माइनस 2. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे किसी वेक्टर के, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ जो सेकंड टाइप इसमें क्वेश्चंस मोस्टली आ सकते हैं वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. अब मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं ये देखते हैं जरा. कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स मींस, पहली बात तो ये कि दिस विल बी द सिंबल ऑफ द मैग्नीट्यूड. समटाइम्स ये पूछते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी, एंड समटाइम दे विल आस्क दैट फाइंड दिस. सो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है. अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है आपके पास, दिस विल बी, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास है x² + y². अब आप ये देखें कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था? x कोऑर्डिनेट आपके पास था 3 एंड -2 -2. सो 3 एंड -2, सो लेट्स सी के x कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा.
square root of 3 square plus minus 2 whole square. So this will be equals to 9 plus 4, which means square root of 13. तो बेसिक लेवल में मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. हम डायरेक्टली अब पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि इसके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में. अनदर टाइप जो बेसिक लेवल के अंदर आती है वो इस तरह के हैं. यूजली ये मैट्रिसेस में तो हैं, लेकिन आपके वैक्टर्स के इस फॉर्म में आते हैं. लाइक 3 into A. 3 into A मीन्स 3 - 3 - 2 -2 into B. बी इज, बल्कि इससे ज़्यादा सिंपल वे ये है कि आप डायरेक्टली यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3A. सो 3A इज इक्वल्स टू -3 and 2, एंड आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू -9 and 6. नाउ वी कैन सी के ये आपके पास 3A का आंसर है, एंड देन सिमिलरली 2B का आंसर क्या होगा. सो 2B विल बी इक्वल्स टू 2 into 5 and 4, विच मीन्स 10 and 8. नाउ 3A - 2B मीन्स -9 and 6 -10 and 8. इसको सिंप्लीफाई करें सो योर आंसर विल बी -19 and -2. आपको कैलकुलेटर वैसे भी अलाउड है, तो बी केयरफुल अबाउट द साइंस. लेट्स सी द अदर वन. लाइक यू कैन सी के फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. सो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग. स्क्वेयर रूट ऑफ -3 होल स्क्वेयर प्लस 2 square. So this will be equals to, इसमें फर्स्ट का आंसर देखें -19 and 2. So -19 and -2. And then second one is square, this will be 9 plus 4, which means square root of 13. So square root of 13 will be equals to 3.6. This will be the final answer. Now let's see the other one. अब ये बेसिक लेवल से थोड़ा सा हम एडवांस इसको कनेक्ट करेंगे, और इसमें भी आपने फॉलो करना है थोड़ा सा. ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, बट इसी कॉन्सेप्ट में से जो अभी तक हमने पढ़े. नाउ MA means this will be equals to A is -3 and 2 plus NB. NB क्या है आपके पास, 5 and 4. Is equals to C is 14 and 9. इसको सिंप्लीफाई करें सो दिस विल बी -3m 2m और प्लस 5n and 4n इज इक्वल्स टू 14 and 9. अब ये देखें दोनों साइड्स पे आपके पास, इसको हम फर्दर किस फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज -3m + 5n और 2m + 4n इज इक्वल्स टू 14 and 19. अब आपके पास दो ही क्वेश्चंस हैं, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, यू विल गेट दी फाइनल आंसर. साइमल्टेनियसली हम पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, देन हाउ टू सॉल्व दी साइमल्टेनियसली सॉल्व दी इक्वेशंस. तो इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ पॉइंट एल हैज कोऑर्डिनेट्स दिस एंड पॉइंट एम हैज कोऑर्डिनेट एल एम इज गिवन टू अस. नाउ वी नो दैट वी हैव टू फॉलो द बेसिक्स. बेसिक्स को फॉलो करेंगे, आपके आंसर हमेशा ठीक आएंगे. सो एल एम के लिए दिस विल बी इक्वल्स टू, ऑल दो ये 1 mark का क्वेश्चन है, तो 1 mark के क्वेश्चन के लिए आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर्स आपके ठीक आएंगे. एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. सो एंड एल एम आपके पास है 5 and -2. ओ एम आपको नहीं पता, ये आपने फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम
माइनस ओ एल आपके पास है नेगेटिव थ्री एंड सिक्स, बल्कि अगर आप इसको इसको यहीं से हम सिंप्लीफाई करें और शिफ्ट करें, सो ओ एम विल बी इक्वल्स टू, ओ एम विल बी इक्वल्स टू फाइव नेगेटिव टू प्लस माइनस थ्री एंड सिक्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू टू एंड फोर, सो टू एंड फोर विल बी द फाइनल आंसर, टू एंड फोर विल बी द फाइनल आंसर. Let's see the other one. The other one is again related to this thing that PQ is a column vector. We need to find out. Now we know the coordinates of P is 2 and minus 1. The coordinates of Q is minus 3 and 2. Now PQ means again endpoint minus starting point. Endpoint minus starting point. Now this will be equals to endpoint is negative 3 and 2 minus 2 and negative 1. So this will be equals to minus 1 and plus 3. This will be the final answer for the next one. Minus 5. This will be minus 5 and negative 5 and plus 3. This will be the final answer. Now let's see the other one, 3PQ. Now we know that this will be equals to negative 5, 3, and then this will be negative 15 over 9. This will be the final answer. Let's move to the next question. Write down the column the coordinates of C. It's quite simple that it will be 3 and 1. Then on the grid, plot D so that ABCD is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram, which means that the magnitude of this is basically 2 units down and 1 unit towards right side. So 2 units down and 1 unit towards the right side. So this will be the parallelogram. The coordinates will be negative 2 and minus 1. Let's see this one. Negative 2 and minus 1 for fourth B part. Okay. Now let's see the other one. On the grid plot E so that EA is minus 4 and 3. Now E to A is minus 4 and 3. So we have to follow the reverse process. इसमें दो आपके पास ऑप्शन हैं. एक तो ये है कि हम उसी तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करें. एक शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट इस वक्त मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगा, उस एंड पे डिस्कस करूँगा. सो दिस शुड बी ओ ए माइनस ओ ई. अब ई ए के वैक्टर हैं आपके पास माइनस फोर एंड थ्री, और ओ ए के आपके पास हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास नेगेटिव थ्री एंड वन.
नेगेटिव थ्री एंड वन माइनस ओ ई। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये क्या होगा आपके पास, ओ ई विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री एंड वन माइनस नेगेटिव फोर एंड थ्री, तो दिस विल बी इक्वल्स टू वन एंड नेगेटिव टू। सो लेट सी द आंसर, यस दिस वन इज करेक्ट, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। Now some of the questions now I will show you on the screen and you have to attempt it. Question number 6, you have to attempt it by yourself and then you can share the answer in the comment section. Similarly for question number 7, you have to attempt it by yourself and then you can share your answer in the comment section. Then we have question number 10. This one is also you have to attempt it by yourself and then you can share your answer in the comment section. I think that is it for today. Tomorrow we will discuss the intermediate level questions regarding vectors and further vectors. Thank you.